एक काव्या जोर से गिर गई, धड़ाम। दो काव्या, दो काव्य जोर से गिर गई, जोर से गिर गई, धड़ाम धड़ाम। Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So, आज का व्लॉग होने वाला है एक वीकेंड व्लॉग जिसमें हम लोग गए थे कोर फकान ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड वी एंजॉयड अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम लोग सुबह सैटरडे को निकले थे अराउंड 10:30 और कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने नहीं किया था। वी थॉट वील पिक अप समथिंग ऑन द वे और बस यहाँ पे हम लोग सोच के नहीं गए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट लास्ट टाइम हम लोग खोरफकान गए थे आज से करीब 2 साल पहले एंड बहुत हम लोगों ने वहाँ पे इंजॉय किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि वापस वहीं जाएं। और खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत मैंने पैक कर लिया था, उसके अलावा आई ऑल्सो केप्ट सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स क्योंकि हो सकता था कि हम लोग बीच पे रुक जाएं एंड इंजॉय करें पानी में। सो कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब कुछ, टॉवल्स मैंने रख लिए थे एंड सब बच्चों ने शूज़ वगैरह पहन लिए थे। सो साथ के साथ मैंने उन लोगों के क्रॉक्स वगैरह सब कुछ इस बार मैं पूरी फुल ऑन प्रिपरेशन के साथ गई थी। काव्या, व्हाट डू यू वांट? तो यहाँ हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप जोन पे, जहाँ से हम लोगों ने बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फ्रेश बने हुए क्रॉसां लिए और मैंने ली अपने लिए एक गर्मा गर्म कॉफ़ी। सो यहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल गए थे खोरफकान की तरफ और अराउंड 1.5 hours to 2 hours लगते हैं यहाँ पे पहुँचने में। मुझे पर्सनली इस मौसम में या इनफैक्ट किसी भी मौसम में लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें आप जा रहे हो और रास्ते में कहीं कहीं छोटे छोटे कैफेटेरियाज पे रुक के चाय या कुछ भी छोटा मोटा स्नैक ले रहे हो। सो मुझे इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग जब ओमान जाते हैं तब तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है एंड आई वॉज़ जस्ट टॉकिंग टू कुणाल कि किस तरीके से हम लोग जब लास्ट टाइम ओमान गए थे हमने इन्जॉय किया था। सो रास्ते में यहाँ पर ना एक रेस्ट एरिया था जिसमें यू कैन स्टॉप योर कार एंड हैव अ स्नैक और समथिंग और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह सब थे। ये जो फ्रूट्स हैं ना ये यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश थे, कुछ आप कटे हुए भी ले सकते हो और पर केजी के हिसाब से भी यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले सकते थे। उसके अलावा काफ़ी सारी टॉयज़ शॉप थी, आगे रेस्ट रूम्स थे और 2-3 रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे थे, तो आप यहाँ पे आराम से छोटे छोटे कैफ़ेज़ में रुक के खा सकते हो
एंड यू कैन हैव चाय एंड देर वॉज अ स्मॉल प्ले एरिया ऑल्सो विच वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जितने बच्चे यहाँ पे रुके हुए थे दे ऑल वर प्लेइंग एंड हैविंग अ ब्लास्ट. तो यहाँ हमने अराउंड 20-25 मिनट्स स्पेंड किए, आराम से बच्चों ने खेला. उसके बाद हम लोगों ने कॉर्न लिया और उसके अलावा फ्रूट्स लिए हमने थोड़े से, जिसमें था एक मैंगो, स्ट्रॉबेरी का पैक था और एक मैंने मस्क मेलन यहाँ से लिया. उन लोगों ने हमें टेस्ट कराया था एंड एवरीथिंग वाज सुपर डुपर फ्रेश. तो हम लोगों ने वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लिए और हम अब यहाँ पर पहुँच गए हैं. सो ये जो एरिया है ये खोरफकान के रास्ते में ही है. सो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे थे टू फाइंड अ बीच जहाँ पे भीड़ कम हो और हम अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ. बट ये जो एरिया था ये आई थिंक मिलिट्री एरिया था. सो यहाँ पर रुकना अलाउड नहीं था एंड सब कुछ पैक्ड था. आई मीन देयर वॉज नो बीच एज सच. But then finally we found a place जहाँ पर हम लोगों ने अपनी कार रोकी. There was enough parking. So यहाँ पर हम लोगों ने अपने shoes वगैरह change कर लिए and we were about to hit the beach. सो हियर फाइनली वी फाउंड अ बीच जहाँ पर हम लोग इन्जॉय कर सकते थे. और यहाँ एज यू कैन सी काव्या के पैर में लग गई थी. शी फेल डाउन एंड शी हिट हर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ रॉक्स एंड सैंड. तो यहाँ उसके काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी थी. ओके यू कैन डू दैट. लुक काव्या व्हाट शेप. But it's a stone for sure. Yeah. क्या कह रहा है ये? What did you say, Kavish? It's a pup tree. Okay. Oh. Yeah. Wow. Let me throw it. Woohoo! सो बाई दिस टाइम काव्या रियलाइज कि उसके काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है एंड शी वेंट बैक टू कुनाल. वहाँ पे वो लोग बीच साइड पे बैठे हुए थे. हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी कि उसका ब्लड किसी तरीके से रुक जाए बट वो इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई दैट वी हैड टू लीव फ्रॉम हियर एंड टेक हर टू अ नियर बाई फार्मेसी. सो यहाँ पे बस हम लोगों ने कुछ अराउंड 15 मिनट स्पेंड किए होंगे एंड हम लोग वहाँ से फिर निकले एंड टू फाइंड अ फार्मेसी वॉज ऑल्सो अ टास्क इन दैट एरिया. तो फार्मेसी से हम लोगों ने थोड़ा बहुत बीटाडीन वगैरह लेके उसको क्लीन करके कवर कर दिया था. और अब हम लोग इसको लेके जा रहे हैं टू एन ईआर वेयर शी विल बी चेक्ड. और हम लोग जब दुबई पहुँचे तो उसको लगा एक इंजेक्शन टिटनेस का एंड शी इज़ ओके नाउ. दो अब ठीक है. वो उसका सिर्फ एक स्क्रैच था. वो इतना डर रही थी फॉर नो रीज़न. मैं उसको ये बता रही थी कि जब हम छोटे थे तो हम बहुत गिरते थे, हमारे बहुत लगती थी. बट दीज किड्स आर लिटिल डिफरेंट आई गेस. एक काव्या जोर से गिर गई. धड़ाम. दो काव्या. दो काव्या जोर से गिर गई. जोर से गिर गई. धड़ाम धड़ाम. अब सिंस क्योंकि अराउंड 4 बज रहे थे इस टाइम तक और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी खास खाया नहीं था. सो वी वेंट टू अ नियर बाई प्लेस कॉल्ड जोन्स द ग्रोसर. और यहाँ पर हम लोग आए,
बहुत थके हुए. सो वी ऑर्डर्ड अ फ्यू थिंग्स यहाँ पे एंड वी थॉट लेट्स कॉल इट अ डे बिकॉज काव्या के काफ़ी दर्द हो रहा था, बट वो अभी भी यहाँ पे भगा दौड़ी कर रही थी. Yeah, we are going home. See, Kavya, so many type of cheese. See, there's so many types of cheese here. And it stinks. सो गाइज़ बस यहीं तक था आज का व्लॉग. आई होप यू एन्जॉयड इट एंड इफ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड प्लीज़ प्रे फॉर काव्या सो दैट शी कैन गेट वेल सून. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन जयराम जी की.